जीते उसमें जो हारी हुई टीम का प्लेयर है उसको शाइनिंग परफॉर्मेंस मिलता है, तो हारी हुई टीम से आई वुड लाइक टू इनवाइट कुलसन, बट तुम्हारे कुलसन को आई वांट अभिलाष टू कम एंड टेक दिस अवार्ड बिकॉज़ ही प्लेड रियली वेरी गुड. दोनों आ जाओ यार, अभिलाष कम बोलो साथ साथ आ जाओ, लो 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 शेयर करो यार, बस शेयर करो मैंने बताया. लुक एट द टाइम सम बॉयज भाई आ जाओ. Congratulations. Would you like to say some words, please? बोलने की जरूरत नहीं है. Time and the excitement and the energy is full power back at Actors Equipment Season 3. Stay tuned. चेंज कर लूं. थैंक यू थैंक यू. मैं तो लगा जा गया आज हमने यहां जो थैंक यू सो मच यू कम हियर नो प्लीज अभिषेक फाइनली हमारी टीम जीती है. कहेंगे आप ये जो नहीं मोमेंट होता है विनिंग वाला मोमेंट ये कैसे देखते हैं? मजा आता है अंत वाला तो सब भला. फाइनली जीते हम लोग और आज अच्छा खेले इसलिए जीते, बाकी दिन खराब के लिए इसलिए हारे. सिंपल है और क्रिकेट है, कभी आप हारते हैं कभी जीतते हैं. सो टुडे वाज हार्ड डे, वी वन द मैच एंड क्वाइट हैप्पी. ये शरद बड़ा मॉडेस्ट बोल रहे हैं. आज ये इनके कुछ प्लेयर्स जो नई जो मेन प्लेयर्स है वो आज पहुंच गए तो इनको ज़रा सपोर्ट मिल गया. आप देखोगे कि इनके कीपर भी नहीं आए थे तो उन्होंने कीपिंग खुद कर ली. तो ये टूर्नामेंट में शरद ने बॉलिंग बैटिंग कीपिंग सब कर ली, जितना कोशिश करना खुद ने पूरा दम लगा दिया. मगर जब इनके आज मेन एक दो मेन खिलाड़ी आ गए तब उन्होंने बता दिया कि ये टीम कमती नहीं थी उन लोग की. लग ऑब्वियसली फिटनेस पे ध्यान रखना ही पड़ता है एज एन एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप लंबी रेस का घोड़ा बढ़ें ज़्यादा टाइम पे काम करें तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है. आई डोंट बिलीव इन वो जो सिक्स पैक वाली बॉडी होती है. आई डोंट कंसिडर एज अ फिटनेस थिंग बिकॉज वो एक फिल्म के लिए जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ आप बनाइए सिक्स पैक. अदरवाइज फिट रहिए, फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है. मसल बना के अगर एजाइल नहीं है आप, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, झुक नहीं पा रहे हैं. सो हाँ जैसे कितने फिट हैं देखिए, भले इनकी सिक्स पैक नहीं है बहुत फिट है. आज भी अच्छे अच्छों को पानी पिलाते हैं ऐसे हैं. बट आई वुड वांट टू से दिस कि दिलीप इट वाज अ फैंटास्टिक फोर डेज ऑफ प्ले. बहुत मज़ा आया. आई एम रियली सिंगल हैंडेडली दिलीप ने हैंडल किया है पूरा इतना बड़ा टूर्नामेंट. All credit goes to him. हम लोग दोस्त हैं बहुत सालों से, 20 साल से करीब. हाँ और क्या. And we are always there for him. और अगले साल और भी बड़ा करेंगे और भी बेहतरीन करेंगे तो मज़ा आएगा. ये तो इन्होंने तो बोल दिया कि अकेले किया है मगर ऐसा इवेंट कोई अकेले होता नहीं है. ये जितने भी 70-80 एक्टर हैं आई थिंक अगर एक ने भी मना कर दिया होता, एक भी पीछे हट जाता है तो पूरा इवेंट मेरा डामाडोल हो जाता. सब ने इतनी कोशिश की कि एक दूसरे को बोल के कि नहीं नहीं ये करना है, खेलना है, पूरा है, दिलीप को सपोर्ट करना है. इसी वजह से ही हुआ है. इतनी गर्मी में इन लोग ने दो दो मैच खेले एक एक दिन में यार. बहुत मारेगी बीवी. नो बट थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच. घर में सबसे काला मैं ही हूं यार. बिल्कुल 26 तारीख से लुकिंग फॉरवर्ड. मैंने कोई शूटिंग नहीं ली बीच में सो एक महीना कोई शूटिंग नहीं करूंगा मैं सिर्फ मैचेस देखने वाला हूं. एक्चुअली उसकी जस्ट बाद मेरी फिल्म है तो मुझे प्रिपेयर करना है उसके लिए. तो कल से शुरू होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरे डायरेक्टर को चाहिए. सो आई थिंक अराउंड एंडिंग ऑफ आईपीएल विल स्टार्ट द फिल्म. बट अभी तो एंजॉय करूंगा पूरा आईपीएल. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच. एक्चुअली आज टूर्नामेंट का हमारी टीम का फाइनल मैच था, लास्ट मैच था. तो आज हम लोग जीते हैं, बाकी सारे मैच हम लोग हारे हैं. तो काफ़ी खुश हूँ मैं क्योंकि मैं पहला मैच खेल रहा था अपनी टीम के लिए और वो जीत गए हैं. होपफुली अगर मैं सारे मैचेस में होता तो शायद टीम का माहौल कुछ और होता. नॉट बिकॉज ऑफ मी बट द एनर्जी आई पुट इन द ग्राउंड इन द गेम. और तो मेरे को मज़ा आता है ग्राउंड में तो इसलिए
और काफ़ी अच्छा खेले हम लोग, मज़ा आया मेरे को आज। फिटनेस पर कितना ध्यान रखते हैं क्योंकि एक ऐसा टाइम चल रहा है कि चाहे एक्टर हो स्पोर्ट पर्सन हो कॉमन इंसान हर कोई फिटनेस पर ध्यान रखता है, आप बताइए कितना फिटनेस पर ध्यान। आई थिंक फिटनेस मेरी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिटनेस, क्योंकि अगर हम फिट नहीं रहेंगे तो हम किसी भी चीज़ में कुछ भी एक्टिवली नहीं कर पाएंगे, अपना 100% नहीं दे पाएंगे, इंजरीज हो सकती है खेलते हुए। तो जितना मैं सबको बोलूँगा कि फिटनेस पे ध्यान दें, अपनी डाइट पे ध्यान दें, सब चीज़ें खाएँ, लेकिन हर चीज़ एक्सेस में करना थोड़ा बुरा होता है, तो फिटनेस भी करें, इंजॉय भी करें और ध्यान दें ताकि अपनी बॉडी जो है वो लंबी रेस का घोड़ा बने, ना कि छोटी रेस का घोड़ा। तो यही मोटो है। नागिन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नागिन के बारे में यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा चल रहा है शो, ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है, सारे किरदार बहुत अच्छे लग रहे हैं शो में और सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, ऑल ओवर कंट्री से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि हम और ज़्यादा अच्छे एंटरटेनिंग ड्रामा लाइक बहुत अच्छे एपिसोड्स बनाएं और ऑडियंस को जितना जो चीज़ पसंद आ रही है उसको वो चीज़ प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।